हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ UPI QR और आधार पे में जो भी पैसा कट होता है वो कैसे रिफ़ंड आता है और कितना टाइम लगता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपका भी पैसा UPI QR से या आधार पे से फंसता है तो वो आपको कितने दिन में या कितने टाइम में आपको रिफ़ंड आ जाएगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने PNEFI ऐप में। हम अपना PNEFI ऐप को लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप UPI QR या आधार पे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी आप UPI QR या आधार पे से पेमेंट लेते हैं तो बहुत सारे केस में ऐसा देखने को मिलता है कि कस्टमर जो है कस्टमर के खाते से पेमेंट हो जाता है लेकिन आपके तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या रीज़न होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे आप अगर आप आधार पे से पेमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो आपका पेमेंट होता है, जो भी आप पैसा निकालते हैं, तो क्या होता है कि ये आपको तुरंत पैसा आपके वैलेट में नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप पैसा निकालते हैं 100,000, तो क्या होता है ये आपको अगले दिन आपके वैलेट में आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आधार पे से पेमेंट करेंगे तो जो भी पैसा आप निकालेंगे वो आपका अगले दिन आपके वैलेट में आएगा। तो दोस्तों, आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आधार पे से जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो आपका पैसा है ये आपका अगले दिन आएगा। और इसमें आप दोस्तों 2,000 से नीचे का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप 2,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप छोटा रकम निकालें अगर अर्जेंट है तो वो आप आधार पे से ही निकालें, और कमीशन भी इसमें आपको कुछ नहीं दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं UPI QR का। अगर UPI QR से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें भी दोस्तों पैसा फंसने का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन जब भी आपका पैसा फंसता है तो हमें डाउट हो जाता है कि हमारा पैसा कब तक रिफ़ंड आएगा। तो इसमें दोस्तों, जो पैसा फंसता है उसका रिफ़ंड आपको 36 घंटे में आ जाएगा, और आ जाता है बिना कोई कंप्लेंट किए। तो आपको 36 घंटे तक वेट करना होता है। अगर आपका पैसा UPI QR से एक्सेप्ट करते समय फंस जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो पेमेंट होगा ये आपका ट्रेड बैलेंस में ही आएगा, और इसमें आपको 36 घंटे का वेट करना पड़ेगा अगर आपका पैसा फंसता है। तो दोस्तों, यही था वीडियो। और इसमें भी दोस्तों बता दो कि कमीशन आपको कुछ नहीं मिलता है। तो और ट्रांजेक्शन की बात कर लूँ तो इसमें आप जितना मर्जी उतना 1,00,000 तक भी इससे आप पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।